अब खबरें विस्तार से। टाटा जू प्रबंधन निपाह वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। वहां सैलानियों को चमगादड़ के टापू से दूर रहने की सलाह दी गई है। निपाह वायरस एक लाइलाज रोग है और वस्तुतः चमगादड़ से फैलता है। टाटा जू प्रबंधन ने इसके चलते अलर्ट जारी कर दिया है और वहां आने वाले सैलानियों को चमगादड़ टापू से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही कई पोस्टर भी लगाए गए हैं। निपाह वायरस का जो हम लोग का कंट्री में इसका प्रचलन शुरू हुआ, इसका जो जानकारी हमें मिला है, लास्ट ईयर केरल में कुछ इस तरह का इन्फेक्शन शुरू हुआ था और इस बार भी जो है केरल में निपाह वायरस के चलते जो है नुकसान कुछ इंसान का कुछ हुआ है। ये मूलतः ये वायरस का से होने वाला एक बीमारी है और ये चमगादड़ और शुअर में मिलता है, और जिस वो जब इन्फेक्शन चमगादड़ और सुअर से कोई जानवर में या इंसान में आता है तब जो है उसका रूप देखने को मिलता है, जिसमें दिमागी ज्वर, सेरिब्रल फीवर बोलते हैं इसको, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं, इस तरह का सिम्टम आदमी में दिखाई देता है। मांगोपुल में प्रतिदिन जाम की स्थिति से निजात दिलाने की मांग कांग्रेस ने जिला प्रशासन से की है। बताते चले कि कई दिनों से प्रतिदिन मांगोपुल में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था और कच्छप गति से चल रहा कंस्ट्रक्शन वर्क। मनोज झा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मांगोपुल पे जो नित्य प्रतिदिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस कड़ी धूप और गर्मी में आम लोगों को 3-4 घंटे जाम का सामना करना पड़ रहा है। मांगो पुल को जाम मुक्त करने के लिए वहाँ जो अभी पेवर्स ब्लॉक का कार्य चल रहा है जिसको के द्वारा, जिसके चलते वहाँ नित्य प्रतिदिन, तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो और यातायात व्यवस्था जो है सुचारू रूप से पुराने जैसे स्थिति थी उस स्थिति को बहाल किया जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय के बाहर बुधवार को छात्र आजसू द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कॉलेज में हुए घोटालों के आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने हर कॉलेज में हो रहे घोटाले पर नारेबाजी करते हुए प्रबंधन से कई कार्रवाई की मांग की है। कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग साफ तौर पे शुरू से एक ही रहा है, करीबन एक साल से कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और ऐसे कई वाक्या उत्पन्न हुए हैं, जैसे कॉपरेटिव कॉलेज का बिल्डिंग घोटाला हो, लैब घोटाला हो, पुस्तक घोटाला हो, वेमेन्स कॉलेज का प्रश्न पत्र को लीक करने का मामला हो, बीएड कॉलेज में बीएड प्रकरण हो, तमाम ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पे विश्वविद्यालय के द्वारा जांच कमेटी गठित किया गया था, परंतु जांच कमेटी गठित होने के बावजूद वैसे दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं। चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को न्यायालय में जमानत मिल गई। उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई पर जोरदार ढंग से स्वागत किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऑन ड्यूटी पुलिस से बदसलूकी के आरोप में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। घाटशिला न्यायालय से जमानत के बाद उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। तो न्याय पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं जेल से बाहर निकला। देखिए, हर ये में विभाग में आपका प्रोटोकॉल रहता है, उस आधार से एक महीना लगा प्रक्रिया था, उसको मैं सम्मान देता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी सम्मान देता हूँ कि आने वाला दिन के लिए साथ से साथ जो भी कानूनी कार्रवाई किया जाए कोई भी मामला में, मैं तहे दिल से उन लोग को ये करना चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करें। जुगसलाई एमी रोड में एक मकान से चोरों ने 50,000 के सामान और नकद चुरा लिया। परिवार गर्मी की वजह से नीचे तल्ले को बंद कर ऊपर सोने चले गए थे। सुबह पाया कि घर के सामान बिखरे हैं और अलमीरा में रखे 22,000 नकद समेत एलईडी टीवी और कपड़े आदि गायब थे।
जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत की गई है। हम लोग नीचे सोया था, गर्मी के वजह से हम लोग चला गया छत में सोने के लिए, तो लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक कोई तालाब को खोल के अंदर में 22,000 रुपया लगभग कैश था और 32 इंच का LG का कंपनी का टीवी था, सब चोरी हो गया। और कपड़ा वपड़ा नया नया कपड़ा था, गांव जाने के लिए, गांव जाने वाला था, टीवी और कैश और कपड़ा वपड़ा लेके तब 50,000 का हो। फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं को लेकर फुटपाथ दुकानदार संघ ने सीधे प्रशासन से वार्ता का मन बना लिया है। संघ ने बुधवार को सभी दुकानदारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। स्थानीय पुलिस द्वारा दोहन और प्रताड़ित करना तथा अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हमेशा विस्थापित करना शामिल है। फुटपाथी दुकानदारों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है। जितने भी पथ विक्रेता हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनकी सर्वांगीण विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनका जो अधिकार है जो कानून के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए, उसी विषय में सभी बाज़ारों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी उद्देश्य से ये रामलीला मैदान के पास आज ये बैठक रखी गई है, ताकि जितने भी पथ विक्रेताएँ हैं उनको उनका कानून के अनुसार जो भी सुविधाएं मिलनी है उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। MGM अस्पताल में वार्ड बॉय के न होने से मरीजों को उनके परिजनों को ही ढोना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल में पिछले दिनों कई पदों को समाप्त कर दिया गया है और वार्ड बॉयज़ की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, जिस कारण मरीजों को उनके परिजन ही ढोकर ला रहे हैं। कोई नहीं है तो क्या करेंगे, एक आदमी नहीं दिया, कोई नहीं है, लड़का भी नहीं है तो क्या करेंगे, अकेले तो लेके जाएंगे ही, छोड़ तो नहीं सकते हैं। भीषण गर्मी में MGM अस्पताल में मरीजों की हालत खराब है और अस्पताल में पंखे तक नहीं चल रहे हैं। बता दें कि इन दिनों अस्पताल में लू के मरीज ज़्यादा हैं, मगर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद कई मरीज बिना पंखे के पड़े हैं। हाथ पंखे की सहायता से मरीजों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद अभी हम लोग खैरबनी से आए हैं और हम लोग का थाना राजनगर में, और पंखा नहीं चल रहा है, हम लोग अपने हाथों से पंखा चला रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। बाल मजदूर निषेध दिवस के मौके पर आदर्श सेवा संस्थान द्वारा 65 बाल मजदूरी करने वाले गरीब तबके के बच्चों को पार्क का सैर कराया गया। बाल मजदूर निषेध दिवस के मौके पर आदर्श सेवा संस्थान द्वारा बुधवार को ऐसे 65 बच्चों को जुबली पार्क और टाटा जू का सैर कराया गया, साथ ही उनके बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया। अरे मेरे पास एक वाहन कंपनी द्वारा रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को विजुअल के माध्यम से जागरूक किया गया। एक वाहन कंपनी द्वारा रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत युवाओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई, साथ ही विजुअल के माध्यम से उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताए गए। आपका सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है, ये होंडा कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल ये हमारा हिंदुस्तान में ये पहला प्रोग्राम है, अभी जमशेदपुर को ये लोग सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर जो है फर्स्ट हम लोग इस प्रोग्राम को जो है कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है इनका प्लान है कि और भी सिटी में